सो है गाइज, दिस इज समीर हियर, वेलकम बैक टू अदर इंटरेस्टिंग वीडियो। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आज के बाद अगर आप इस वीडियो में मैं जो भी फॉर्मूला बता रहा हूँ, जो भी स्टेप्स बता रहा हूँ, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप बोलोगे यार ऐसा क्या बताने वाले हो इस वीडियो में। तो यार इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। बेसिकली हमें प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास जॉब नहीं, हमें ये नहीं पता कि जॉब किस तरीके से लेनी है, हमें ये नहीं पता कि प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, ये सारी चीज़ें नहीं पता। बट मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप वहाँ चले जाओ, वहाँ जाके ये पढ़ लो, वहाँ जाके ये पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल शॉर्ट क्लियर आपको पाथ इस वीडियो में देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसको आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आई कैन गारंटी यू कि आप अपनी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर लोगे, आपके पास जॉब हो जाएगी और बहुत बढ़िया वाली जॉब होगी। तो किस तरीके से यार, उसके लिए बने रहो इस वीडियो में। चलो फिर इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वैसे इस वीडियो में मैं बेसिकली बात क्या करने वाला हूँ उसके बारे में समझते हैं। देखो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जॉब किस तरीके से आप अप्लाई करना चाहिए, कहाँ अप्लाई करना चाहिए, कैसे अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज हमें यही नहीं पता कि जॉब को किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए। और हम अप्लाई कर देते हैं बहुत सारी जगह जहाँ पर हमारे साथ देयर इज अ लॉट ऑफ चांसेस कि स्कैम भी हो रहे होते हैं, ठीक है। तो उससे भी बचना है एंड रिज्यूम वो किस तरीके से बनाना है एंड किस तरीके से अप्लाई करना है, तो उसके बारे में बात करते हैं। चलो देखो, सबसे पहले क्या करना है कि आपको अगर कोई भी कंपनी में दिमाग में आया कि हाँ यार मुझे इस कंपनी में जॉब करना है, मतलब लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट में मुझे अप्लाई करना है, तो अब मैं अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। क्या क्या चीज़ें मुझे अप्लाई करने से पहले ध्यान में रखनी है उसके बारे में बात करते हैं। देखो मैं आता हूँ यहाँ ब्राउज़र में, अभी आपको रिज्यूमे नहीं बनाना, मैं बताता हूँ रिज्यूमे कब बनाना है। मेरे को बस मन में आया कि मुझे अप्लाई करना भैया माइक्रोसॉफ्ट में, मैं यहाँ सर्च करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट करियर्स, कोई भी कंपनी उसके आगे करियर लगा दो, कोई भी कंपनी उसके आगे करियर, मतलब फेसबुक करियर, एप्पल करियर, गूगल करियर, कुछ भी करियर, कोई भी कंपनी करियर, ठीक है। एंड देन सर्च इट, जैसे आप सर्च करोगे तो आपके सामने ये फर्स्ट इंटरफेस आएगा जो कि careers.microsoft.com, ओके। फिर उसके बाद मैं इस पर आ जाऊँगा, या यहाँ पर करियर पे क्लिक करके आ जाऊँगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक ये इंटरफेस आ गया, ओके। एंड देन मैं आता हूँ यहाँ पर, सर्च करता हूँ जॉब्स। जैसे ही मैंने सर्च आइकॉन पे क्लिक किया, अभी रिज्यूमे में बताऊँगा, तसली रखो, जैसे ही मैंने रिज्यूमे सर्च पे क्लिक किया तो यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा, मेरा जो डिपार्टमेंट है वो है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। तो मैं आता हूँ नीचे, देखता हूँ भैया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, तो बिल्कुल है, बाकी आपको जहाँ पर दिख रहा है आप उसमें जा सकते हो। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आता हूँ, मैं यहाँ आया तो मेरे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल गया। आप बोलोगे यार मैंने क्या वॉशिंगटन की यार यहाँ पर तो ये वैकेंसी, बट ऐसा नहीं है, आप यहाँ से कंट्री में जाकर चेंज कर सकते हो। तो मैं इंडिया को सिलेक्ट करूँगा, तो अब मेरे पास जो भी यहाँ पर जॉब शो करेगा ये वेबसाइट वो इंडिया के अकॉर्डिंग करेगा। तो मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा, अपने लाइक ढूंढूंगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू है यहाँ पे, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और ढूंढूंगा कि लेट्स से सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू लेके चलते हैं हैदराबाद तेलंगाना में, ओके। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टू पे आता हूँ, अब आता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पर ये इनकी जो बेसिक डिटेल्स हैं जॉब की वो है, इससे अपन को कोई मतलब नहीं। अब मैं आता हूँ और स्क्रॉल डाउन करता हूँ और स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करी होगी आपने, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो बेसिकली अब बात करते हैं रिज्यूम, अब रिज्यूम किस हिसाब से बनाना है आपको। रेस्पॉन्सिबिलिटी में जो जो सेक्शंस हैं, लेट्स से कि यहाँ पर लिखा गया है डेटा वेयर हाउस, डेटा लेक, आर्किटेक्चर, ये ऐसे ऐसे वर्ड्स, डेटा बेसिस लाइक डेटा वेयर हाउसेज, डेटा लेक्स, इन सब में वो रेस्पॉन्सिबिलिटी मांग रहे हैं। मतलब ये सारा काम अगर बंदे को आता हो, हमें बंदा ऐसे ही चाहिए। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपने कोई भी रिज्यूमे देखा, मतलब कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी देखी, उस मतलब वर्ड को अपने रिज्यूमे में स्किल के सेक्शन में डाल दिया और वो आपको आता नहीं है, नहीं ऐसा नहीं करना है। देखो हम हैं आईटी बंदे, हम कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर अगर मुझे दिया गया है डेटा वेयर हाउस, तो मुझे अगर इसके बारे में नहीं पता तो मैं इसे 1 से 2 घंटे या 3 घंटे के अंदर पूरी नॉलेज ले लूँगा टाइम निकाल के, फिर इस चीज़ को मैं अपने रिज्यूमे में डाल दूँगा। अगर फिर मैं अपने उस चीज़ को मैंने डाल दिया रिज्यूमे में, फिर मैं अप्लाई करता हूँ, तो यार मेरा जो रिज्यूमे है वो डेफिनेटली चांसेस है कि वो शॉर्टलिस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर इनका सिस्टम इस तरीके से बिल्ड हो रहा होता है ना, क्योंकि ये कीवर्ड से कीवर्ड मैच करते हैं। अगर ये मैच हुआ, डेटा वेयर हाउस चाहिए अपन को, इसमें इसके रिज्यूमे मिला, ठीक है इसको शॉर्टलिस्ट कर दो, नहीं मिला तो इसको हटा दो, रिमूव कर दो, शॉर्टलिस्ट मत करो, ऐसा सीन रहता है इनका। तो पहले ऐसा करो, अगर मतलब एंड्रॉइड से रिलेटेड है, वेबसाइट से रिलेटेड है, तो उसके लिए 2-3 दिन टाइम ले लो, इतनी जल्दी ये जाने वाले नहीं होते, तो 1-1 महीना। देखो 28 दिसंबर की है ये, और मैं वीडियो बना रहा हूँ अराउंड 15 जनवरी के आसपास, तो 15 दिन तो ये हो गए। तो मतलब अगर ऐसा आता है एंड्रॉइड से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, तो आप एक प्रोजेक्ट भी बना सकते हो 2-3 दिन में,
बना सकते हो, और कुछ भी पॉसिबल नहीं है, बना सकते हो, बनाकर फिर वो कीवर्ड रखकर फिर उसके बाद आप अप्लाई करो यार, डेफिनेटली यार चांसेस है कि आपका जो रेज्यूम है वो शॉर्टलिस्ट होगा। ये बात हर कोई नहीं बताता, बट मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसे किया भी हुआ है और मैंने यार इतने सारे लोगों के साथ पॉडकास्ट किया हुआ तो मुझे पता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो तो डेफिनेटली आपका हो सकता है रेज्यूम शॉर्टलिस्ट। ठीक है, तो शॉर्टलिस्ट की टेंशन खत्म। अब जब शॉर्टलिस्ट हो जाएगा तो भैया हमने, आपने बोला था कि प्रिपेयर मत करो, कहीं जाके पढ़ो मत, फिर हमने इंटरव्यू देना है तो यार हमें कैसे पता कि क्या क्वेश्चन आएंगे? तो उसके लिए फिर एक और वेबसाइट है, मतलब यहाँ पर मैं बोलूँ कंपनी की वेबसाइट पर जाके अप्लाई करना, कोई थर्ड पार्टी यूज़ मत करना, लेट्स से naukri.com, sign.com, monsters, यहाँ पर नहीं जाना, कंपनी के डायरेक्ट वेबसाइट पर जाके अप्लाई करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि भैया रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट तो हो जाएगा, ठीक है आपने बताया हम वो कर लेंगे, अब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें, कहाँ से करें? उसके लिए मैं नहीं बोला कि लीडकोड चले जाओ या कहीं चले जाओ, नहीं वो मत जाओ, अभी के लिए मत जाओ, आप आओ अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ एम्बिशन बॉक्स पे, यहाँ पर आओ एम्बिशन बॉक्स एंड यहाँ पे आओ, ये वेबसाइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया नंबर वन लाइक फॉर कंपनी रिव्यू टाइप है। यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर मैं सर्च करूँगा माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट ये आ गया माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, देन इसको सिलेक्ट करूँगा एंड माइक्रोसॉफ्ट रिव्यू, येस आई वॉन्ट रिव्यू, तो मैं रिव्यू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर पूरा माइक्रोसॉफ्ट का चिट्टा कह सकते हैं बायोडेटा खुल के आ जाएगा कि हाँ ये कंपनी के इतने लोगों ने रिव्यू दिया है, क्या है, कितना साइज है, जो भी है। अब मैं आऊँगा मैं कहाँ पे, मैं भैया मेरा जो डिपार्टमेंट है वो क्या आई टी डिपार्टमेंट है, तो मैं आता हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एंड यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर देखो दिखा हुआ है एस डी इन बेंगलोर में, इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब लाइक्स ये बता रहा है एंड डिसलाइक्स बता रहा है कि हाँ मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई। ऐसे ही आप जैसे इसको क्या करते हो ना, लॉग इन कर लोगे तो आपको ये पूरा डेटा यहाँ एक्सपीरियंसेस उनके यहाँ पर दिखने को मिलेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन पूछे गए थे एच डी में, ये राउंड इतने राउंड होते हैं, ये क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि यार ये एक पैटर्न मिल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन ये लोग पूछ रहे हैं तो मैं ये क्वेश्चन को ज़्यादा प्रिपेयर कर लेता हूँ। दूसरा रास्ता एम्बिशन बॉक्स से जाकर पूरा एक एक चीज़ देख लो, यहाँ पर सैलरी वगैरह सब दिखा देता है यहाँ पे, ठीक है तो वो भी आप देख सकते हो। तीसरी चीज़ आपको लिंक्डइन पर जाकर अप्लाई करना है, लिंक्डइन पर जाकर आपको कनेक्ट करना है। कैसे लिंक्डइन पर जाना है, आता हूँ मैं लिंक्डइन पे, सारे स्टेप आपको यार इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ, इसीलिए इस वीडियो का टाइटल ही रखा है मैंने दिस वीडियो कैन चेंज योर लाइफ। ये मेरी लिंक्डइन की ऑफिशियल आईडी है, अगर आप कनेक्ट नहीं हो तो आप कनेक्ट हो सकते हो मेरे से। मैं आऊँगा, मैं यहाँ सर्च करूँगा माइक्रोसॉफ्ट एच आर सर्च करूँगा क्योंकि मुझे जॉब चाहिए भाई, जॉब चाहिए। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट एच आर पे आया एंड देन यहाँ पर मुझे दिख रही है मेघना मैम है, ये गुड़गांव सीनियर एचआर एट माइक्रोसॉफ्ट। मैं आऊँगा यहाँ पर कनेक्ट पे एंड कनेक्ट पे जैसे ही मैं आता हूँ तो ये पॉपअप आता है, बट मैं सेंड पे क्लिक नहीं करूँगा, मैं क्लिक करूँगा ऐड नोट पे। यहाँ पर आऊँगा मैं एक नोट ऐड करके इनको भेजूँगा, तो वो नोट क्या होगा बेसिकली नोट, तो मैं यहाँ पर आकर मैंने एक ये अपने लिए बना रखा है, आप भी अपने लिए बना सकते हो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो मैंने लिखा है भाई यहाँ पे मैंने लिखा है कि हाय मैम या सर जो भी हैं, मेरा नाम ये है एंड मैंने जस्ट अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है एंड अगर आपके पास एक्सपीरियंस है देन यू कैन टेल एक्सपीरियंस जिसमें भी है, मेरे को मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में मैंने बता दिया। फिर मैंने लिखा कि आई एम लुकिंग फॉर चेंज, इफ़ देयर इज हायरिंग सो काइंडली प्रोसीड विद माई एप्लीकेशन, हेयर इज माई अपडेटेड रिज्यूमे। आप अपने रिज्यूमे को भी अपडेट कर सकते हो कि लिंक वगैरह जो भी है वो यहाँ पर डाल सकते हो। फिर आपको अपना एक मैसेज डालने के बाद आपको सेंड करना है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। सेंड करते हो तो फिर आपको पहली एचआर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लेंगे, अगर होगा इनके पास तो ये डेफिनेटली आपको रिप्लाई कर देंगे। ऐसे ही कम से कम 100 एचआर को भेजो या 50 तो भेज ही सकते हो मिनिमम एक दिन में, उनको भेजो वहाँ से डेफिनेटली कहीं ना कहीं से रिप्लाई जरूर आएगा, तो यहाँ से भी जॉब मिल सकती है। रिज्यूमे किस तरीके से बनाना है वो पता चल गया। और तीसरी चीज़ यहाँ पे आप बंदों के साथ भी कनेक्ट हो, जैसे कि मैंने खाली माइक्रोसॉफ्ट लिखा एचआर रिमूव कर दिया, अब मैं यहाँ पर खाली माइक्रोसॉफ्ट सर्च करता हूँ तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में आ गया। अब मैं पीपल्स पे आता हूँ एंड यहाँ पर जो भी माइक्रोसॉफ्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो भी इंप्लॉई हैं, उनको फिर मैं भेजूंगा वही कनेक्ट एंड ऐड अ नोट पे क्लिक करके। मैं लिखूंगा हाय माय नेम इज दिस एंड सर आई एम लुकिंग फॉर जॉब इन माइक्रोसॉफ्ट। अगर आप रेफरेंस देना चाहते हो तो आप भी दे सकते हो किस तरीके से इंटरव्यू प्रोसेस होता है, पूरा आप ये हेल्प कर देंगे। ऐसे ही कम से कम 50 बंदों को भेजो, वहाँ से भी डेफिनेटली एक दो या चार पांच बंदों से डेफिनेटली रिप्लाई आएगा। तो मतलब कुल मिला के एक पैटर्न समझ रहे हो ना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रिपेयर करो, आप क्या करो कि पहले घुसो तो सही, आप यार 50 जगह इंटरव्यू दोगे तो आपको कुछ तो समझ में आएगा, कुछ तो एक्सपीरियंस मिलेगा, कुछ तो क्वेश्चन सीखने को मिलेगा, क्या ये क्वेश्चन यार बार बार पूछ रहे हैं। आप इतने इंटरव्यू दे दो क्योंकि आपको इंटरव्यू से ही क्वेश्चन याद हो जाएँ, कहने का मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले आप प्रिपेयर कर लेते हो एम्बिशन बॉक्स से जाकर, या इनसे कोई मिल जाता है आपको वो बता देता है कि हाँ ये क्वेश्चन भी कर लो, वो कर लेते हो तो यार
कैसे आपको जॉब नहीं मिलेगी ये मुझे बताओ यार, लग जाओ। जितना देर आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, जितना देर आप लाइक फेसबुक को चलाते हो, जितना चिट चैट करते हो व्हाट्सएप पे वो बंद करके, एक हफ्ता आप वन वीक आप ये करके देख लो, डेफिनेटली अगर अगर आपको जॉब कहीं से भी अपॉर्चुनिटी नहीं आई तो आप इस वीडियो पे आकर कमेंट करना मुझे नीचे कि हाँ आपने जो भी बताया था वो सारा रास्ता गलत है या फिर मेरे को जॉब नहीं मिली। आप एक बार डेडिकेटेड होकर यार वो कर लो, डेफिनेटली दिस वीडियो विल चेंज योर लाइफ। अभी भी मैं ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है। मैंने यार मैंने जब अगर मैं बताऊँ बेसिकली क्यों बता रहा हूँ इस वीडियो को, क्योंकि मैंने ये तरीके किए हुए हैं और मेरे पास कम से कम 7-8 ऑफर आ गए थे इसी रास्ते से, तब मैं आपको ये रास्ता बता रहा हूँ, किसी के सुन के नहीं बता रहा हूँ। मैंने जो पर्सनल फेस किया वो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में आपके थ्रू, ठीक है, मतलब आप लोगों को। सो होप सो गाइस समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, जरूरत है अभी मुझे, ठीक है। आप लोग के लिए ऐसी कूल और इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लाते रहूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।